आज हम आपको स्विस रोल की रेसिपी बताएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको स्विस रोल बनाना बताएंगे जो बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पार्ले जी के बिस्किट्स लिए हैं 2 पैकेट, 100 ग्राम गरी बुरादा, कोकोआ पाउडर, बटर, मिल्क, कंडेंस मिल्क, पिसी हुई शक्कर और ये इलायची पाउडर। कंडेंस मिल्क हमने लास्ट वीक बनाया था, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिक्सी में हम सारे बिस्किट ग्राइंड कर लेंगे, इसके ज़रा से भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसको बारीक हमें पीसना है। अब आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स को हमने काफ़ी महीन पीस लिया है। अब हम इसमें शक्कर डालते हैं 4 चम्मच, 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, ये बाज़ार में आसानी से मिल भी जाता है, और बटर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध से थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छा सा डो बना लेंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि हमारा डो गीला ना हो। अब हमारा डो एकदम रेडी हो चुका है, तो चलिए हम स्टफिंग के लिए चलते हैं। हमने 1 चम्मच बटर लिया है, गरी बुरादा लिया है 100 ग्राम, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच और ये कंडेंस मिल्क। ये एक स्वीट डिश भी है, ये एक नॉन फायर कुकिंग भी है, इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अब हमारा स्टफिंग भी रेडी हो चुका है, तो चलिए आगे का स्टेप क्या है बताते हैं। ये हमने सिल्वर फॉइल लिया है, अब हम इसको डो में इसमें फैलाएंगे। हम इसको बेलन की हेल्प से इसको बढ़ाएंगे, इसको जितनी जल्दी हो सके बनाइएगा वरना ये क्रैक होने लगता है। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब देख सकते हैं कि हमारा डो को हमने बेल लिया है, अब हम इसमें स्टफिंग को स्प्रेड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे घर में बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन दबाना भी ना भूलें। देखते हैं कि हमने इसको स्प्रेड कर लिया है, अब हम फॉइल के मदद से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा हमें सिल्वर फॉइल हटाते रहना है। उम्मीद करते हैं आपको ये डिश जरूर पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन भी दबाना ना भूलें। अब ये देखिए हमारा आधे से ज़्यादा फोल्ड हो चुका है, बस इसको आप सिल्वर फॉइल के ही थ्रो फोल्ड करते रहिएगा और बहुत ही आराम से आपको इसी तरीके से फोल्ड करके रैप करके फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे रखना होगा। अब हमारा स्विस रोल अच्छे से फ्रीज़र में सेट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं और कट करते हैं। अब हमने इसे कट कर लिया है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी और ये खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और बच्चों को भी खासकर। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।